बॉलीवुड की एक खासियत तो है, ज्यादा इज्जत इनको हजम नहीं होती। अगर बॉलीवुड को 6 बजे इज्जत मिलनी है ना, तो वो 5 बजे उस पर मूत के घर आके सो जाते हैं। देर इज अ सेइंग, नेवर मीट योर हीरोज, क्योंकि उनसे मिल लेंगे तो आपको पता चलेगा वो आप ही जितने घटिया है, आप ही जितने अच्छे हैं। और मतलब यू मे बी डिसअपॉइंटेड। अनंत अंबानी की वेडिंग में शाहरुख खान ने रामचरण को इडली सांभर बोल दिया। रामचरण कहाँ तू? बताओ, अब कोई शाहरुख को बिरयानी बोले या कटवा बोले, कटवे कैसा लगेगा? मतलब तुम नेशनल भी नहीं, कम से कम इंटरनेशनल स्टेज पे खड़े हो, जहाँ पे बाहर के कितने लोग आए हुए। मतलब कि मार्केटिंग करके तुम अपनी इमेज बनवा लो 50-100 करोड़ रुपए खर्च करके कि हाउ वेल स्पोकन आई एम, पर रियलिटी कभी कभी निकल जाती है अंदर से। पूरी साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार हर चीज में शाहरुख खान का नाम लेते हैं कि शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान। आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख। शाहरुख खान ने शाहरुख सर को देखा क्या? शाहरुख खान व्हेन विल वी मीट सर? और फिर शाहरुख खान मुंह से ये रिपोर्ट्स के अनुसार रामचरण इस बात से गुस्सा थे और रामचरण के स्टाइलिस्ट तो तभी का तभी स्टेज छोड़ के वहां से चली गई। तुम्हारी जितनी मूवीज का कलेक्शन नहीं होता उतने बजट की तो वो मूवीज बना रहे हैं। और मतलब तुम्हारी जो मूवी चली है वो वहीं के लोगों के साथ चल रही है, आने वाली भी वहीं के लोगों के साथ चल रही है। बॉलीवुड की रिसेंट पास्ट 2-3 ईयर्स में जितनी भी मूवीज चली है वो या तो साउथ से उठाई हुई है या साउथ के लोग आके यहाँ पे बॉलीवुड में उन्हें बना रहे हैं। जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो।